साउथ कोरिया एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी और सेफ कंट्री है और अब तो धीरे धीरे उसका टूरिज्म भी काफ़ी बढ़ गया है। BTS और K-pop की वजह से, K-dramas की वजह से बहुत सारे लोग साउथ कोरिया जाते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद पूरे साउथ कोरियंस पे और BTS के ऊपर भी बहुत बड़ा खतरा आ चुका था, और जब आर्मीज को इसके बारे में पता चला तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो क्या हमारे BTS के मेंबर्स सेफ हैं और बाकी सारे साउथ कोरियन सेफ हैं या फिर नहीं, ये जानने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता ही होगा कि साउथ कोरिया की एक और कंट्री है, मतलब कोरिया की एक और कंट्री है जिसको नॉर्थ कोरिया बोला जाता है। नॉर्थ कोरिया में बहुत ही ज़्यादा वायलेंस है और तानाशाह माना जाता है। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस हैं, वहाँ के लोग कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते, बेसिकली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट चीज़ें चलती हैं। और साउथ कोरिया इससे पूरी तरीके से उल्टी है। काफ़ी सालों पहले नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ हुई थी, जिसके बाद दोनों कंट्रीज़ ने डिसाइड किया था कि वो अलग हो जाएंगी और एक दूसरे के मामले में नहीं बोलेंगी। तो हुआ ये कि रिसेंटली बहुत ही सारे साउथ कोरियंस के फ़ोन में सुबह सुबह एक अलर्ट आया, जहां पर बताया गया कि नॉर्थ कोरिया से एक मिसाइल लॉन्च होने वाली है, जिसकी वजह से पूरे साउथ कोरिया पे बहुत बड़ा खतरा है। और ऐसे में बहुत ही सारे लोग अपने घरों को छोड़कर चले गए, बिल्डिंग्स को छोड़कर चले गए, और बहुत ज़्यादा भगदड़ भी मच गई थी। जिसके बाद जब ये न्यूज़ वायरल हुई तो आर्मीज भी काफ़ी परेशान हो गई, क्योंकि हमारे BTS के मेंबर्स भी तो साउथ कोरिया में ही रहते हैं, उनकी भी लाइफ डेंजर में आ गई थी। पूरे साउथ कोरिया में लोग बहुत ही परेशान थे। इवन यहाँ तक हो गया कि पुलिस वाले भी आए, एम्बुलेंस भी आए, और लोगों को वहाँ से इवैक्यूलेट करने लगे, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि जब भी मिसाइल गिरेगी तो बहुत बड़ा धमाका होगा, बहुत ही लॉस होगा। लेकिन दोस्तों, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ ही देर बाद पता चला कि एक्चुअली गवर्नमेंट की तरफ से गलती से एक वार टाइम अलर्ट इशू हो गया था, जिसकी वजह से सभी जितने भी लोग थे साउथ कोरिया में, सबके फ़ोन पर ये अलर्ट चले गया। और फिलहाल सच्चाई में नॉर्थ कोरिया से कोई भी ऐसा खतरा नहीं है, यानी पूरे साउथ कोरियंस और BTS के मेंबर्स एकदम सेफ हैं, कोई भी वॉर नहीं होने वाली है। लेकिन क्योंकि ये गलती हो गई थी, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को ये अलर्ट आ गया था और लोग बहुत ही घबरा गए थे। तो दोस्तों, बेसिकली ये काफ़ी बड़ा इशू हो गया था छोटी सी गलती की वजह से। मे बी ये अलर्ट एक ही बटन पे चले जाता होगा और किसी से गलती से दब गया होगा, एंड डेफिनेटली जिससे ये गलती हुई होगी ना, उसकी तो अच्छे से क्लास लगी होगी। लेकिन इस सब की वजह से लोग बहुत ही परेशान हो गए थे, काफ़ी लोग डर गए थे कि अब उनका क्या होगा, वॉर होने वाली है, वो बचेंगे या फिर नहीं बचेंगे। लेकिन लकीली ये सिर्फ एक गलती थी, और हम काफ़ी खुश हैं कि साउथ कोरियंस और हमारे BTS के मेंबर एकदम सेफ है। तो अगर आप में से किसी भी आर्मी को ये न्यूज़ पता चली थी तो आप टेंशन मत लो, क्योंकि एक्चुअली ये न्यूज़ रियल नहीं थी, ये एक छोटी सी गलती थी, और हमारे BTS के मेंबर्स एकदम सही है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। तो आर्मीज़, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि ये न्यूज़ आपको पता थी या फिर नहीं। साथ ही साथ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।